नमस्कार, मैं अभिषेक चौधरी, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। असम के मानस नेशनल पार्क में देश भर के टूरिस्टों की भीड़ लगी हुई है। इसी बीच हमारे असम के ब्यूरो चीफ कमल प्रीतम शर्मा ने मानस नेशनल पार्क के रेंजर बाहुल ब्रह्म से खास बात की, तो उन्होंने बताया कि मानस नेशनल पार्क में भारत के दूसरे राज्यों से बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। बिहार, गुजरात, कोलकाता के साथ साथ अन्य राज्यों से भी टूरिस्ट यहाँ काफी संख्या में आते हैं। वहाँ पर जंगली मुर्गी, हिरण, गोल्डन मंकी, राइनो और बहुत सारे जंगली जानवर देखने को मिलते हैं। और रेंजर ब्रह्म ने बताया कि मानस को मैनेजमेंट करने के लिए जितने आदमियों की आवश्यकता है उतने यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। इसके लिए उन्होंने असम के फॉरेस्ट मिनिस्टर से इसके बारे में पूरी जानकारी अवगत कराने के लिए भी कहा है। प्राइम न्यूज 24 के लिए असम ब्यूरो चीफ कमल प्रीतम शर्मा की खास रिपोर्ट। मानस एक सुंदर जगह है, असम का नेशनल पार्क है। असम का जो बीटीसी है, बीटीसी का एरिया में पड़ता है, इंडो भूटान बाउंड्री में है ये। और ये एक्चुअली यहाँ सब कुछ मिलता है, जानवर के हिसाब से देखा जाए तो सब कुछ जानवर यहाँ पे है, टाइगर, राइनो और ये एलिफेंट, बियर और सीरिया तो बहुत जात का है यहाँ। मानस का क्या स्पेशलिस्ट है? स्पेशली हम लोग का यह बंगाल फ्लोरिडियन है जो सब जगह नहीं मिलते हैं, और ये पिकनी और भी है। टूरिस्ट कहाँ कहाँ से आते हैं यहाँ पर? टूरिस्ट इंडिया का हर जगह से आता है, लेकिन ज्यादा आते हैं वेस्ट बंगाल से फ्लो ज्यादा होता है, और पिछले साल से थोड़ा महाराष्ट्र की तरफ से भी आ रहा है, मुंबई की तरफ से भी आ रहा है, और लोकल टूरिस्ट भी है। और मानस को टूरिस्ट डेवलप करने के लिए मानस को क्या करना चाहिए? टूरिस्ट डेवलप करने के लिए थोड़ा ट्रेनिंग का जरूरत है, क्योंकि जो नजदीक जुड़ा हुआ गांव है उनका जो लाइफस्टाइल है थोड़ा ये चेंज करना पड़ेगा, और उन लोगों को समझाना पड़ेगा, ये होमस्टे वगैरह के बारे में उन लोगों को जानकारी देना पड़ेगा। क्योंकि अगर होमस्टे होगा तो यहाँ का लोगों का फायदा होगा, और यहाँ का लोगों का फायदा होने पर हम लोग का प्रोटेक्शन का काम भी आएगा। क्योंकि अगर सब लोग ये टूरिज्म में लग जाएगा तो ऐसे ही हम लोग का प्रोटेक्शन अच्छा हो जाएगा, क्योंकि एक टूरिज्म चलाने वाला लोग एक फॉरेस्ट का आदमी हो गया है। इसी हिसाब से हम लोग यही सोचता है, क्योंकि टूरिस्ट का जो होमस्टे है ये बढ़ाना चाहिए। आप लोगों की स्टाफ अवेलेबल है क्या? स्टाफ तो बहुत कम है, क्योंकि हम लोग का जितना बड़ा एरिया है और जितना कैंप है, कैंप के हिसाब से बहुत कम है, क्योंकि एक कैंप में कम से कम 8-9 आदमी रहना चाहिए, जहाँ पर हम लोग 2-3 आदमी रुका है, इसीलिए प्रोटेक्शन के बारे में थोड़ा मुश्किल होता है। फॉरेस्ट मिनिस्टर परिमल शुक्लाबैठर्जी को कुछ आप बोलना चाहती है क्या? कौन सा? फॉरेस्ट मिनिस्टर परिमल शुक्लाबैठर्जी को कुछ आप बोलना चाहती है क्या? उसको मानस की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ, और क्योंकि अभी तक सर हम लोग यहाँ विजिट नहीं किया है, और हम लोग सोच रहे हैं कभी विजिट करेंगे। विजिट करने से हम लोग का भी मनोबल बढ़ेगा, क्योंकि बड़ा लोग आने पर हम लोग का भी थोड़ा अच्छा लगता है, और ये हम लोग का डिपार्टमेंट का जो बाहर का लोग बहुत आ रहा है अभी, लेकिन सर अभी तक आया नहीं, इसीलिए थोड़ा बीच में सुना था आएगा, लेकिन बाद में नहीं आया वो। जो भी हो हम लोग जोर दे रहे हैं वो आने के लिए, से हम लोग कभी फायदा है। नया साल को लेकर आप मानस का क्या प्रिपरेशन है? नया साल के लिए प्रिपरेशन मतलब नया साल में मानस में लोग बहुत आएंगे, इससे हम लोग का वो सबको बधाई देंगे, और साथ में हम लोग का जितने लोग आएंगे हम लोग का ये दीवान और बढ़ेगा। टूरिस्ट को कुछ बोलेगी आप? टूरिस्ट को बोलेगी नया साल का मुबारक हो सबको भी, यहाँ पर सब लोग आएंगे, सब लोग आइए यहाँ आकर एंजॉय कीजिए, क्योंकि ये बहुत बंद पड़ा हुआ था मानस, अभी नया शुरू हो गया है, हम लोग का अच्छा दिन आ गया है, सबको वेलकम करता हूँ। बहुत ही सुंदर था ये, और ये नेचुरल ब्यूटी भी बहुत अच्छा है, आने पर आप लोग को सबको मालूम होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन को दबाकर हमारी ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहें।